वेलकम टू जुबरान खान के न्यूज़। तो यहाँ सबसे पहले मैं छोटा सा रिव्यू देता हूँ 6 एपिसोड का, और फिर उसके बाद 7वें 8वें एपिसोड कर दूंगा। यहाँ पे जो अतीर होते हैं रिश्ता लेकर आते हैं मायरा के घर पे, और यहाँ मायरा को पता नहीं होता, और साफ तौर पे मायरा के घर वाले मना कर देते हैं यहाँ अतीर को और उनकी वालदा को कि ये रिश्ता हो नहीं सकता, क्योंकि मायरा का निकाह तो पहले ही हो चुका है सलमान से, और फिर वो चले जाते हैं। 6 एपिसोड का लिंक मैंने इसमें दे दिया है ताकि आप चेक कर लिएगा 7वें और 8वें एपिसोड में क्या होने वाला है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। मायरा जब ऑफिस जाएगी तो अतीर इनके सामने होंगे। यहाँ अतीर इनको बताएंगे कि मैं डायरेक्ट आपसे बात करना चाहता था, लेकिन मैं अपनी वालदा को आपके घर लेके था रिश्ते के लिए। यहाँ मायरा इनको खुल के बताएंगी कि मैं सलमान से शादी करना नहीं चाहती, मजबूरी है मेरी, मेरा निकाह बचपन में ही हो गया था, मेरी बहन भी उसके भाई के साथ इंगेज हैगी। अब यहाँ पे हम लोगों को काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं, क्योंकि सलमान जो है काफ़ी बुरा सलूक करता है मेरे साथ, मुझे मारता भी है और मुझे धमका के रखता है ताकि मैं किसी को कुछ बताऊँ ना। अब यहाँ पे मदद करेंगे अतीत मायरा की, और उनको बोलेंगे कि तुम घर में जाओ और अपने घर वालों को बताओ कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहती, मैं इसको पसंद नहीं करती, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा डिसीजन है, तुम अपने घर वालों को बताओ कि तुम किससे शादी करना चाहती हो। अतीर और मायरा अब दोनों में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, और अब यहाँ पे इनका मिलना जुलना भी होगा। और जब ये पार्किंग एरिया में जा रहे होंगे ऑफिस की, तो यहीं पे फिर सलमान भी आ जाएंगे, और सलमान जब इनको देखेंगे तो फौरन अपना मोबाइल निकालेंगे और इनकी वीडियो बनाएंगे, और यहाँ पे फिर मायरा को दिखाएंगे कि मैंने तुम्हें रंगो हाथ पकड़ लिया, तुम जो है अतीर के साथ डेट कर रही हो, तुम उसके साथ घूम रही हो, मैं तुम्हारे घर में ये सारी वीडियो दिखा दूंगा। तो वो काफ़ी घबरा जाती हैं। सलमान फिर ब्लैकमेल करेंगे मायरा को, लेकिन यहाँ अतीर ने मायरा को जो बोला था कि तुम अपने घर में जाके बात करना, जब वो बात करेंगी तो यहाँ इनकी वालदा काफ़ी गुस्से में आ जाएंगी, इनको एक थप्पड़ भी मारेंगी कि आज तो तुमने ये बात कह दी है, आइंदा कभी ये बात नहीं करना, तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ सलमान से ही होगी। इसके बाद फिर अतीर और मायरा दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, और यहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि वालदा ने तो साफ इनकार कर दिया है कि तुम्हारी शादी सिर्फ सलमान के साथ ही होगी। यहाँ पे फिर अचानक से आ जाते हैं सलमान और इनको रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। सलमान फिर मायरा को बोलते हैं कि शादी तुम मेरे साथ कर रही हो और डेट तुम इसके साथ मार रही हो। यहाँ पे काफी हंगामा करते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। यहाँ पे फिर अतीर जो है इनको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ काफी चालाक होते हैं सलमान। यहाँ पे अतीर अब इनको क्या ऑफर देने वाले हैं, क्या खतरनाक ऑफर होगी जिससे सलमान का मुंह खुला का खुला रह जाएगा। अब यहाँ पे सलमान जो है इनको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, यहाँ पे अतीर जो है इनको भारी रकम देने की कोशिश करेंगे, कम से कम 50 लाख रुपए इनको ऑफर करेंगे कि तुम 50 लाख रुपए लो और मायरा को छोड़ दो। यहाँ पे अब सलमान क्या करेंगे, 50 लाख रुपए ले लेंगे और मायरा को छोड़ देंगे? यहाँ अगर मायरा को छोड़ देंगे तो यहाँ पे पूरा रास्ता मिल जाएगा फिर अतीर को मायरा के साथ शादी करने का। ऐसी और भी अपडेट आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी, तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।